चाईबासा शहर के मंगलहाटा में चापाकल किसने लगाया है? सवाल और जवाब के चक्कर में नगर परिषद बोर्ड की बैठक स्थगित हो गई। वार्ड नंबर 5 के परिषद विप्लव सिंह ने बैठक शुरू होते ही चापाकल का सवाल उठाया और कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा द्वारा जो जवाब दिया गया उससे नाराज होकर वार्ड पार्षद बाहर निकल गए। सभी वार्ड पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और कार्यपालक पदाधिकारी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। वार्ड पार्षद विप्लव सिंह ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में मंगलहाट में चापाकल लगाया गया है, वह किसने लगाया है इसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। पार्षद विप्लव सिंह के बैठक से बाहर निकल जाने के बाद एक एक कर सभी वार्ड पार्षद बाहर निकल आए। उनका कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिस तरीके से जवाब दिया गया है वह लहजा ठीक नहीं है। आज एक पार्षद के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, इसलिए हम सब ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस सारे विवाद के बारे में जब कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करीब 1.5 साल पहले मंगलहाट में चापाकल लगाया गया है। हमारी टीम जांच कर चुकी है, हमने भी देखा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है कि चापाकल किसके द्वारा लगाया गया है, क्योंकि चापाकल चालू हालत में है और लोगों को उससे पानी मिल रहा है, इसलिए उसे किसने लगाया है इसको लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके प्रतिवेदन जो अनुपालन प्रतिवेदन होता है बोर्ड की बैठक का, पिछले बोर्ड की बैठक का, वो प्रतिवेदन आज उपलब्ध कराया गया जो कि किसी भी तरह से मान्य नहीं माना जाता है। ऊपर से जब प्रतिवेदन के जब उसमें जो भी विषय था विषय बिंदु को रखा गया तो इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए उस जाँच को आज दिखाने के लिए 9:30 बजे आज सुबह के 9:30 बजे जांच की भेजी। ही बेइज्जती हो गया आज, मैंने विप्लव जी का हुआ मतलब सभी पार्षद का ही बेइज्जती हो गया और बोर्ड का बैठक में तो इस तरह का बात होते रहता है लेकिन।